Hi, ma'am. I'm Shruti and I'm from Thane. So I want to share. I had written a dream that I want to sleep at 11 p.m. I don't know how it sounds like, but I got married last year and I shifted to Thane from Surat. So my lifestyle had changed completely, like from my in-laws' place and my mother's place. वहाँ पर सब 10 बजे सो जाते थे और यहाँ पर तो 1 बजे तक सोते ही नहीं है कोई. एंड आई हैड अ ब्रेक डाउन कि मुझे आवाज में नींद नहीं आती और मेरा तो रूम हॉल के जस्ट बाजू में था एंड एवरीबडी यूज टू स्लीप इन द हॉल. सो मैं रोज आकर 11 बजे सबको प्लीज टीवी बंद कर दो, प्लीज आप लोग रूम में चले जाओ करती थी. एंड आई डिड अ सेशन विद एनी इन नवम्बर. तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया तो टू शीट बोलने की आप अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखो उसको. सो दैट आई रोट इन नवम्बर. बट ऑनेस्टली पिछले 2 महीने से आई एम स्लीपिंग एट 11 PM एंड आई डिडंट नोटिस दैट. एंड मैं एक्चुअली 11 बजे सो रही हूँ और सुबह टाइम पर उठ रही हूँ. आपका जो सेशन है मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मेरे को अश्विन मैम के साथ में करना है एंड मैं आपके सेशन में एनरोल नहीं किया था. इट वॉज माई कजिन, शी टोल्ड मी भाभी हो जाएगा, आप करो करो करो. मेरा जिम होता था मॉर्निंग में. आई लाइक नहीं हो पाएगा, घर में काम होता है, आई एम वर्किंग ऑल्सो. बट इट टर्न आउट टू बी मेरा जिम का टाइम चेंज हो गया. आई एम डूइंग द सेशन, माई इन-लॉज आर सो सपोर्टिव. I have so many breakthroughs. I have in money, I have in relationship. Money में, oh my God, मैंने जो अमाउंट लिखी थी आपने बोला था आप मैनिफेस्ट करो कि आपको वो चीज मिल रही है, विजुअलाइज इट. और वो चीज मुझे मिल गई. आई डिडंट गेट द मनी बट आई गॉट द थिंग विच आई एक्चुअली वॉन्टेड टू बाय फ्रॉम दैट. सो दैट वॉज वन इन मनी. इन रिलेशनशिप जो आपने फ्रीडम वाला एक पॉइंट और एक पीईटी वाला पॉइंट दैट हिट मी सो हार्ड. एंड उसके बाद से माई मदर इन लॉ एंड माई हस्बैंड दे आर लाइक व्हाट हैपेंड टू यू. मतलब आप बोलते थे आप इरिटेट हो जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, सामने वाले का गलती नहीं है. आई मतलब मेरे को इतना ज्यादा हिट हुआ वो कि 11 बजे अब जाकर मुझे उन्हें नहीं बोलना. इट हैज इट इज मी हु हैज टू चेंज. एंड ऑनेस्टली अब मैं 11 बजे सो सकती हूँ. वेयर एज इन 27 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैं कभी एक फोन का एक नोटिफिकेशन से आई टू गेट अप. माई मदर वॉज लाइक ओ माई गॉड, इसका तो बस अगर कोई एक बेल भी बजा देता था ना तो ये उठ जाती थी. सो नाउ दैट थिंग हैज चेंज फॉर मी. सो दैट वॉज वन. हेल्थ के अंदर आई ऑलवेज वॉज बल्कि जो आप बोलते हो ना बचपन से एक थॉट बना रखा है ये तो बचपन से ही मोटी है, ये तो मोटी रहने वाली है. मतलब वो वाला चीज भी इतना ज्यादा सही लगता है. तो वो अफर्मेशन, आई एक्चुअली अफर्मेट, आई एक्चुअली विजुअलाइज एवरीथिंग. आई पे ग्रेटिट्यूड फॉर माई बॉडी, फॉर माई ट्रेनर, फॉर माई डाइटिशियन. सो ऑल द थिंग्स आर गोइंग. मतलब ऑब्वियसली माई ड्रीम हैज टू कम ट्रू बट आई हैव स्टार्टेड सीइंग द चेंज इन माई लाइफ. सो या आई एम लाइक वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम eternally grateful to you, my cousin who has actually pushed me to join this, and Annie and you. Like, I'm eternally thankful to you. Like, thank you so much. Wonderful, and it is just a beginning, as you say, because अभी आपको अगर कुछ महीने या कुछ साल ही हुए इस जर्नी में स्टार्ट हुए तो प्लीज समझिएगा ये आपके जीवन की या समझिए इस पर्पस ऑफ लाइफ को पाने का पहला पहला सीढ़ी भी नहीं, पहली सीढ़ी पे आपने कदम रखा है. और ये जस्ट बिगिनिंग होती है जब शुरू में आप अपने हेल्थ को, अपने पैसों को, अपने प्रोफेशन को, रिलेशनशिप को, अपनी मनचाही नींद को, अपनी मनचाही हेल्थ को, अपने मनचाही खुशी को आप मैनिफेस्ट करना सीख जाते हो. और अपनी मतलब ये सब चीजें ना बहुत इजी हैं और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे कल से शुरू. अभी तक हमने